पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान का शनिवार को गया नगर निगम में भव्य स्वागत किया गया। ढोल बाजे व फूल मालाओं के साथ मेयर गणेश पासवान का पार्षदों ने स्वागत किया। इस बीच मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव उपस्थित थे। सभी ने मेयर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी हो कि पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय में समान प्रशासन विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसके तहत गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान को पासवान जाति के बजाय बंगाली जाति का बताया गया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद मेयर के समर्थकों में खुशी की लहर फैल गई। शुक्रवार को आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान का भव्य स्वागत नगर निगम में किया गया। इस दौरान दर्जनों पार्षदों ने फूल माला पहनाकर मेयर का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। हमारे साथ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे जो एक बार फिर से विफल हो गए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सच्चाई जीती है, हाईकोर्ट के फैसले से साबित हो गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कल जो मुझ पर आरोप जाति के प्रति जो लगा था उनको पेश कर दिया गया है, और जो हम पर झूठा आरोप, मैं पहली बार मेरा बड़े भाई गया नगर निगम में पार्षद जीत कर आए थे, उसके बाद मैं लगातार 7 वर्षों से आपके गया शहर के लिए सेवा के लिए मेयर के रूप में यहाँ हम लोग उपलब्ध हैं। लेकिन जो शहर का विकास के बारे में नहीं सोचते उन लोग के द्वारा मुझ पर हमेशा ये आरोप, झूठा आरोप लगाया जाता है। जितना शक्ति मुझ पर आप लगाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ वो शहर के विकास में लगाएं, ज़्यादा उस पर काबिलियत तारीफ करेंगे सब। लेकिन कुछ ऐसे उच्च पायदान पर बैठे हुए नेता, शीर्ष नेता हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ गया के बारे में कि गया को डेवलप के बारे में आप सोचें। मिलजुल गया नगर निगम पूरे शहर में जो गंदा शहर में गिनती आता था वो लगातार 2 वर्षों से हम लोग ने, हमारे पार्षदगण ने, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने और मीडिया बंधु के सहयोग से हमारे साथ लगातार 2 वर्षों से नंबर 1 पर आए। अगर आप लोग का भली भांति हम लोग को सहयोग मिलेगा तो हम लोग पूरे भारत में नंबर 1 आने का प्रयास करेंगे। और जो मुझ पर आरोप लगाया गया था मुझे पटना उच्च न्यायालय ने मुक्त कर दिया, और मैं गया वासी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हर एक जाति के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ जिस तरह से मैं हम लोगों ने कोरोना काल में हम और डिप्टी मेयर साहब ने पूर्व में किया था, उससे नए गर्म जोश के साथ इस बार गया शहर को विकास करने में हमारे सभी पार्षदगण तत्पर तैयार है। वही मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में शामिल गया कि सिटी डीएसपी डेरा थाना सहित अन्य जमादार द्वारा जो जांच किया गया, कोर्ट ने जिला अधिकारी के स्तर से उसकी पुनः जांच कराई गई और पूर्व में जांच गलत साबित हुई। कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सब सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि हम सब मिलकर गया जी का विकास को और गति देंगे। जो है राज्य निर्वाचन आयोग में गया था, राज्य निर्वाचन आयोग से यह मामला कास स्कूटनी में, कास स्कूटनी गया के सिटी डीएसपी साहब, डेल्हा थाना प्रभारी और वहां के जमादार साहब द्वारा जांच हुआ था। इस जांच को न्यायालय ने गलत पाया और उसको क्वेश कर दिया गया, और कास स्कूटनी कमेटी में जो निर्णय ली गई थी कि जाति के संबंध में डिसीजन हुआ था कि शेड्यूल कास्ट जाति अनुसूचित जाति से नहीं है, उसको भी क्वेश कर दिया गया। अब कोई चिंता का विषय नहीं है। इस बीच में जो नया जांच हुआ है, जब न्यायालय में मामला चल रहा था और ये राज्य निर्वाचन आयोग में, उस समय जिला पदाधिकारी सीओ साहब एडीएम साहब से रिपोर्ट गया है जिसमें इनको दुसाह जाति लिखा हुआ है और प्रमाणित किया गया। अब आगे जो होगा, लड़ाई और वाद विवाद का कोई अंत नहीं होता है। जिसको जलन का शिकार है उसको काम से कोई मतलब नहीं होता। वो गतिरोध को रोकना चाहता है, गति को रोकना चाहता है, विकास को रोकना चाहता है। कौन सा ऐसा बात है जैसी के पीछे पड़े हुए हैं? ये बिल्कुल निहित स्वार्थ का मामला है, और ऐसे करने वाले लोग कभी जीवन में कुछ क्षण के लिए आगे जरूर दिखेंगे, कतई भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो दूसरे को तरजीह नहीं देना जानते, जो समाज को अपना परिवार नहीं समझते, वो किसी और का परिवार हो भी नहीं सकते। इसलिए जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।